नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन देवरी। पुलिस अवैध तस्करी कर ले जा रहे गांजा जब्त किया। गोंदिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि गोंदिया से अवैध रूप से गांजा की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने ट्रक के बारे में देवरी पुलिस को सूचित किया और देवरी पुलिस को गश्त करते समय उन्हें पता चला कि ट्रक सम्राट बार समीप जिला परिषद मैदान में है। पुलिस ने ट्रक को रोका और उसका निरीक्षण किया, जिसमें ट्रक के कैबिन में 16 किलो 530 ग्राम मिला, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक समेत गांजा हिरासत में लिया है, जिसमें गांजा की कीमत 1,32,240 रुपए और ट्रक की कीमत 15 लाख रुपए है और कुल कीमत 16,32,240 रुपए है। लेकिन ट्रक चालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कॉल आला पुलिस स्टेशन ला की पुलिस स्टेशन च्या हद्दी मध्ये काही मीटर अंतरावर एक ट्रक क्रमांक CG04LR2221 हा याच्यामध्ये गांजा आहे, तर तुम्ही त्याचा शोध घ्यावा। तर त्या संदर्भात मी माझ्या स्टाफला पोलीस स्टेशन हद्दीत सर्चिंग करायला पाठवलं। मी स्वतःसुद्धा पोलीस स्टेशन हद्दीत फिरत होतो, तर त्यावेळेस आम्हाला सम्राट बारच्या समोर जिल्हा परिषद ग्राउंडवर एक सदरचा ट्रक मिळून आला। त्या ठिकाणी 3-4 तास आम्ही कोणी ड्रायव्हर चालक किंवा व्यक्ती आहे का याबाबत वॉच ठेवला, परंतु कोणीही व्यक्ती सदर ठिकाणी ट्रकच्या आजूबाजूला दिसून आला नाही। त्याच्यामुळे शासकीय पंच बोलावून मापारी वगैरे जे नियमाप्रमाणे लोक बोलवतात तशी आम्ही वरिष्ठांना माहिती देऊन त्या ठिकाणी त्या ट्रकची झडती घेतली असता त्यामध्ये आम्हाला केबिनमध्ये 16 किलो 530 ग्रामचा गांजा मिळून आला। सदरची कारवाई ही आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे साहेब, ॲडिशनल SP माननीय अतुल कुलकर्णी साहेब आणि SDPO नालकुल साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली आहे। आणि सदरच्या मालाची किंमत ही 1,32,240 रुपये आणि ट्रक 14-चक्का ट्रक होता, त्याची 15 लाख अशी 16,00,240 रुपये अशी मालमत्ता आम्ही जप्त केली आहे आणि पोलीस स्टेशनला ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी मिळून नाही आला त्या ठिकाणी आम्हाला।